चलिया जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का केमिस्ट्री चैप्टर टू अम्ल भस्म एवं लवण, इंग्लिश में बोले तो एसिड बेस एंड साल। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर हो गया था। हाँ, आज क्या है, पार्ट फाइव है, ठीक है ना। और मेरा एक नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी जाके तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, जगदेव ब्लॉग है, ठीक है ना। मेरा फोटो देखे सब्सक्राइब करना है। और जिसको मेरा पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है, भारती भवन हो या एनसीआरटी हो, ठीक है, तो मेरा फोटो पर क्लिक करो। मेरा फोटो पर जब क्लिक करेगा तो आएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो सब सब्जेक्ट का सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग भस्म के बारे में बता दिए थे तुम लोग को पूरा। आप पढ़ेंगे लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण बनता कैसे है? तो लवण बनता है जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है। बताए थे ना, जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। लवण प्लस जल बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासनीकरण अभिक्रिया, उदासनीकरण अभिक्रिया। तो अभी हम उतना से पढ़ रहे थे अम्ल और भस्म के बारे में, बारे में पढ़ रहे थे उदासनीकरण अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? उदासनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उतना जैसे हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लवण के बारे में। अम्ल में हम क्या बोले थे कि आगे एच हो तो उसको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? आगे एच हो। इसे बताए थे HCl, H2SO4 बताए थे ना, HNO3 ये सब बताए थे। आगे एच हो तो अम्ल, आगे एच हो तो अम्ल। भस्म में क्या बताए थे? पीछे OH, पीछे OH। इसे बताए थे क्या हम? NaOH, CaOH के होल टू LiOH, NH4 OH, तो पीछे OH तो क्या है भस्म? क्या है भस्म? में क्या है? और जिसमें ना तो आगे एच हो न तो पीछे OH हो, उसको वो क्या जाएगा? लवण। क्या जाएगा? लवण। न तो आगे एच हो न तो पीछे OH हो, यानी ये दोनों के मिलने के बाद, ये दोनों के मिलने के बाद जो बनेगा वो क्या जाएगा? लवण। क्या जाएगा? ऐसे दोनों मिला रहे हैं तो क्या बनेगा? ये प्लस में आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे, तो Na प्लस Cl, तो क्या जाएगा? NaCl। क्या जाएगा? Na। और यहाँ OH और यहाँ पर बचा है क्या? H। ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा? जल। क्या बना लेगा? तो देखो इसमें 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 ना तो H है आगे या तो पीछे OH है क्या? ठीक है, जाएगा लवण। क्या जाएगा? तो हमको पढ़ना है लवण के बारे में। किस बारे में पढ़ना? लवण के बारे में। चलो लवण के बारे में पढ़ते हैं। पूरा ढंगा हुआ अब हम पढ़ते लवण के बारे में। किसान पढ़ते लवण के बारे में सुबह वाले के शाम वाले अब पढ़ेंगे लवण के बारे में। किसी बारे में पढ़ेंगे लवण? तो लवण को हम पढ़ने से पहले लवण को बांटते हैं तीन भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। एक होता है सामान्य लवण। क्या होता है? सामान्य लवण। सामान्य लवण यानी सिंपल लवण। क्या हो गया? सिंपल। क्या हो गया? सिंपल। एक होता है अम्लीय लवण। क्या होता है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। और एक होता है भास्म। जब अम्लीय हो गया तो अगला क्या होगा? भास्मिक होगा ना, होगा हम लोग भस्म करते हैं ना। एक होता है भास्मिक लवण। क्या होता है? भास्मिक लवण। भास्मिक लवण। तो लवण कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। अम्लीय लवण, अति सामान्य लवण, सिंपल अम्लीय। एक होता है सामान्य लवण। में क्या होगा? तो सामान्य लवण किसको कहेंगे? तो जिसमें वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें अम्ल में क्या होता है? एच। अम्ल में क्या होता है? आगे एच, आगे एच। और भाषण में क्या होता है? पीछे OH, पीछे OH, यही होता है ना। तो सामान्य लवण किसमें बोलेंगे? जिसमें विस्थापन से न तो हाइड्रोजन है न तो OH हो, उसको क्या बोलेंगे? सामान्य लवण। क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा लवण, वैसा वैसा लवण जिसमें वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील, विस्थापन विस्थापनशील यानी विस्थापन होने वाला, हाइड्रोजन विस्थापन होता था ना, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील नो तो हाइड्रोजन हो, नो तो हाइड्रोजन, नो तो हाइड्रोजन हो, नो तो OH हो, नो तो OH हो, उसे क्या करेंगे?
उसे कहेंगे समान लवण। उसे क्या कहेंगे? उसे समान लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान लवण कहा जाता है। यानी इसमें जिसमें न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन हो न तो विस्थापनशील OH हो, क्या बोलेंगे? समान लवण। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जांपल देखते, जैसे एग्जांपल में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें अच्छे क्या कहीं पर बीच में, कहीं ये बीच में रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? अगर दोनों बीच में है तो समान लवण नहीं होगा। अगर ये बीच में अगर हाइड्रोजन है तो जाएगा अम्लीय लवण। अगर पहले है तो वो तो अम्ल हो जाएगा। पहले क्या, पहले रहेगा तो क्या जाएगा? अम्ल। लेकिन जब बीच में हाइड्रोजन रहेगा तो क्या जाएगा? अम्लीय लवण। क्या जाएगा? और बीच में OH रहेगा तो क्या जाएगा? भास्मिक लवण। क्या जाएगा? लेकिन अगर अगर दोनों में से दोनों को ये दोनों में से कोई भी ना हो तो क्या जाएगा? समान लवण। क्या जाएगा? देखिए दोनों में से कोई है इसमें क्या ना है तो क्या हो गया? समान लवण। KCl, KCl, इधर में से कोई है इसमें ना, ना। समान लवण क्या हो गया? Na2SO4, Na2SO, ये दोनों में से कोई है इसमें क्या ना, ना है तो क्या गया? समान लवण क्या हो गया? CaS, CaSO4, CaSO, ये दोनों में से कोई है इसमें क्या? समान लवण क्या हो गया? NaNO3, देखिए दोनों में से कोई है इसमें क्या? तो समान लवण क्या हो गया? इसमें का जितना भी लिखना लिख सकते हैं, समझ आ रहा है ना? समान में पहचान में कोई दिक्कत? अगर H भी ना हो, OH भी ना हो तो क्या है? समान लवण। क्या है? अम्लीय लवण। कैसे बोलेंगे? तो जिसमें H हो, जिसमें H हो, क्योंकि अम्ल में H होता है। अम्ल में क्या होता था? अम्ल पहचान के तुमको नियम बताया था ना कि जिसमें आगे H हो वो होता है अम्ल। वो क्या होता है? अम्ल। इसमें तो जिसमें H होगा वो जाएगा अम्लीय लवण। हाँ। वो क्या जाएगा? लेकिन H आगे ना होगा क्योंकि अम्ल में आगे होता था। H कहाँ होगा? बीच में। कहाँ होगा? बीच में। H कहाँ होगा? बीच में। तो लिखेंगे वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें जिसमें विस्थापनशील, जिसमें विस्थापन, जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन, जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अम्लीय लवण। उसे क्या कहेंगे? उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। उसे अम्लीय लवण कहा, क्योंकि अम्ल तो अम्ल में होता है H, इसमें भी होगा H, तो अम्लीय लवण में क्या होगा? H होगा। क्या होगा? H होगा। ऐसे हम लिखते हैं क्या? जैसे लिखते हैं NaHCO3, देखिए इसमें इधर तो सोडियम हो गया, इधर कार्बोनेट हो गया, लेकिन बीच में क्या हो गया? H। क्या हो गया? तो H तो क्या होगा? अम्लीय लवण। पता जाएगा ना? उसी प्रकार लिखते हैं NaH2PO4। देखिए आप इधर N है, इधर क्या है? PO4 है, और बीच में क्या है? H है। H है तो कौन लवण? H तो कौन लवण? अम्लीय लवण। कौन है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में और हम लिख सकते हैं Na2HPO4। ठीक है, अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण। में कोई दिक्कत? अम्लीय लवण पहचान में कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि अम्ल में होता है H, अम्ल में क्या होता है? एच। तो इसमें भी क्या है? एच। तो अम्लीय लवण हो गया। अब भास्मिक लवण में क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा लवण। भास्मिक क्या होता है? OH। भास्मिक क्या होता है? OH। तो भास्मिक लवण में भी क्या आएगा? OH। क्या आएगा? OH। तो बोलेंगे वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा जिसमें विस्थापनशील OH मौजूद हो। OH कहाँ मौजूद होगा? तो बीच में। क्या होगा? पीछे होता तो भस्म होता, पीछे होता तो क्या होता है? भस्म। लेकिन पीछे नहीं होगा, कहाँ होगा? बीच में। क्या होगा? कहाँ होगा? तो वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील OH मौजूद हो, OH मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भास्मिक लवण। उसे भास्मिक लवण कहा जाता है। भास्मिक लवण कहा जाता है, जाता है। जैसे एग्जांपल में हम दे सकते हैं, जैसे रेड लाइन कहाँ चल गया, जैसे जैसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर BaOHCl, BaOHCl, क्या है? बीच में OH है ना, तो कौन सा लवण? भास्मिक लवण। क्या हो जाएगा? भास्मिक लवण। BiOHCl2, BiOHCl, ये उसी प्रकार देख सकते हैं MgOHCl, ठीक है ना? उसी प्रकार देख सकते हैं CaOH, क्या हुआ?
CAOSCL एक समय क्या है OH है क्या OH OH है क्या है भाषण लवण क्या पहचाने कोई दिक्कत है तुम लोग को अगर अगर H भी ना हो OH भी ना हो समान लवण अगर H हो तो कौन सा लवण अम्लीय लवण अगर OH हो तो कौन सा लवण भाषण लवण कौन सा लवण पहचाने कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है तुम लोग को यहाँ पर दे दे BAOH यहाँ पर टू हो जाएगा ठीक है जल्दी कर छाप तो रखा चलिए ध्यान दे अब पढ़ेंगे लवण का देखेंगे पीएच मान किसका पीएच मान सात देखें पे क्या बताया था जिसका पीएच मान सात से कम होता है वो क्या होता है अम्ल होता है जिसका पीएच मान सात से अधिक होता है वो क्या होता है भस्म होता है और जिसका पीएच मान सात होता है वो क्या होता है उदासीन क्या होता है तो लवण में भी देखेंगे कि लवण में जिसका पीएच मान सात होगा हो जाएगा उदासीन लवण क्या हो जाएगा जिसका पीएच मान सात से कम होगा उसका जलीय विलयन क्या होगा अम्लीय क्या होगा अम्लीय लवण क्या हो जाएगा जिसका पीएच मान सात से अधिक होगा उस लवण का जलीय विलयन क्या होगा क्षारीय क्या होगा या भास्मिक होगा क्या होगा लवण का जलीय विलयन को तीन भाग में बांटेंगे लवण का जलीय विलयन को तीन भाग में बांटेंगे लवण का जलीय विलयन लवण का जलीय विलयन लवण का जलीय विलयन को हम कितने भाग में बांटेंगे तीन भाग में बांटेंगे जिसका पीएच मान सात से कम होगा जिस लवण का जलीय विलयन सात से कम होगा उसको बोलेंगे उस लवण के जलीय विलयन को बोलेंगे अम्लीय जलीय विलयन क्या बोलेंगे ठीक है ना देखे यहाँ पर लवण कब बनता है जब अम्ल और भस्म जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है अम्ल और भस्म आपस में तो क्या बनता है लवण बनता है ना लवण और जल बनता है जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है लवण और जल बनता है ठीक है ना अब यहाँ ध्यान दे तब तुम लोग को पढ़ाए थे कि हम अम्ल दो प्रकार का होता पढ़ाए थे एक दुर्बल अम्ल एक प्रबल अम्ल फिर भस्म दो प्रकार बताए थे एक दुर्बल भस्म एक प्रबल भस्म बताए थे बताए थे ना देखना ध्यान दो अम्ल बताए दो प्रकार का अम्ल बताए थे कितने बार करते दो प्रकार का बताए थे एक बताए थे दुर्बल क्या बताए थे दुर्बल एक बताए थे प्रबल क्या बताए थे प्रबल प्रबल अम्ल में हम तीन बताए थे कितने बताए थे एक तो HCl बताए थे एक तो बताए थे H2SO4 बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल बताए थे और एक बताए थे नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये बताए थे तो ये हो गया ये तीनों हो गया प्रबल अम्ल ये तीनों क्या हो गया जो बाकी बच जाएगा क्या जाएगा दुर्बल अम्ल क्या जाएगा उसके बाद तुमको भस्म में बताए थे भस्म में बताए थे प्रबल एक दुर्बल ना बताए थे एक बताए थे प्रबल एक बताए थे दुर्बल भस्म एक बताए थे प्रबल भस्म बताए थे प्रबल भस्म किसका नाम दिए थे प्रबल भस्म में नाम दिए थे KOH NaOH उसके बाद LiOH ये तीनों हो गया प्रबल भस्म ये तीनों क्या हो गया जो बच जाएगा क्या जाएगा दुर्बल भस्म क्या जाएगा दुर्बल भस्म आप देख हमको लड़ाना है ये दोनों अम्ल और भस्म लड़ेगा अम्ल और भस्म लड़ेगा ये दोनों कहेंगे तुम दोनों लड़ तो देखे यहाँ ध्यान दे पहले यहाँ ले मान ले यहाँ पर है प्रबल अम्ल क्या है प्रबल अम्ल और हम ले लिए प्रबल भस्म प्रबल देखिए दोनों यहाँ पर प्रबल है दोनों क्या है ना है दोनों मजबूत है ई भी मजबूत ई भी ना है प्रबल अम्ल प्रबल भस्म बता प्रबल ये भी है प्रबल ये भी है प्रबल अब तो दोनों लड़ेगा तो कौन जीतेगा दोनों बराबर हो जाएगा दोनों मरेगा तो दोनों मरेगा दोनों जीतेगा दोनों का भी हारेगा क्योंकि ये भी है प्रबल ये भी है दोनों यहाँ ध्यान देते ये भी है परवल ये भी है परवल जब परवल और परवल लड़ेगा जब परवल और परवल लड़ेगा दोनों परवल है ना कोई जीतेगा नहीं तो इसका भी गुण समाप्त दोनों का गुण क्या जाएगा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा पूरी तरह क्या जाएगा जो लवण बनेगा जो लवण बनेगा उसमें ना तो अम्ल का गुण रहेगा क्योंकि अम्ल भी नहीं जीता ये भी मजबूत था न तो उसमें भस्म का गुण रहेगा क्योंकि भस्म क्या है परवल है ना दोनों मजबूती है ना तो दोनों में से कोई जीता क्या जब दोनों में से कोई नहीं जीता तो किसका गुण रहेगा किसी का गुण नहीं रहेगा किसी गुण रहेगा यहाँ जो लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होना चाहिए सात होना चाहिए कितना चाहिए न तो अम्ल का गुण न तो भस्म का जो सात से कम होगा तो क्या होगा अम्ल का गुण हो जाएगा तो अम्ल जीता क्या अम्ल जीता अगर सात से अधिक रहेगा तो क्या जाएगा भस्म का गुण रहेगा भस्म जीता क्या तो भस्म नहीं जीता तो क्या रहेगा इसका पीएच मान क्या रहेगा इसका पीएच मान जो यहाँ लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा सात क्या होगा या यहाँ पर मान ले दुर्बल अम्ल है क्या है दुर्बल अम्ल यानी अम्ल भी कमजोर अम्ल भी और दुर्बल भस्म है दुर्बल भस्म है दोनों देखो कमजोर है दोनों देखो लड़ेगा तो कौन जीतेगा कोई नहीं जीतेगा क्योंकि ये भी कमजोर ये भी दोनों बराबर रह जाएगा तो अम्ल भी नहीं जीता तो लवण में अम्ल का गुण भी ना होगा
भस्म नहीं जीता तो भस्म में लवण का अथी अम्ल लवण में भस्म का गुण भी नहीं होगा तो किसका गुण होगा तो दोनों में से किसी का ना होगा दोनों में से किसी का नहीं तो इसका यहाँ जो लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा इसका पीएच मान होगा 7 से कम कितना होगा इसका यहाँ जो लवण बनेगा उसका पीएच मान उसका जलीय बिलियन का पीएच मान कितना होगा पीएच मान होगा 7 से कम पीएच मान होगा 7 से सॉरी 7 में होगा दोनों में से कौन जीत रहा है पीएच मान कितना होगा 7 पीएच मान कितना होगा 7 होगा पीएच मान कितना होगा 7 क्योंकि दोनों में से कौन जीता था क्या उदासीन क्या यहाँ जो लवण बनेगा क्या जाएगा उदासीन लवण क्या जाएगा यानी यहाँ जो बनेगा उस लवण का जलीय व्यंजन क्या होगा उदासीन क्या होगा जैसे एग्जांपल यहाँ ध्यान दे एग्जांपल में हम जैसे लिख रहे हैं जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ ध्यान दे यहाँ जो लवण बनेगा उसका क्या होगा जलीय विलयन उदासीन होगा क्या होगा जलीय विलयन उदासीन होगा जलीय विलयन उदासीन जलीय विलयन उदासीन कब होता है जब दोनों प्रबल हो या जब दोनों दुर्बल हो दोनों लड़ेगा तो किसी का गुण नहीं बचेगा क्योंकि दोनों पर मजबूत है या दोनों कमजोर है तो जगह जलीय विलयन उदासीन जलीय विलयन उदासीन मतलब क्या होगा दोस्तों पीएच मान कितना होगा 7 होगा जैसे एग्जांपल में हम लिखेंगे NaCl कैसे पहचानेंगे कि इसका जलीय विलयन उदासीन है ये लवण का जलीय विलयन उदासीन कैसे पहचानेंगे तो देखो Na को खोजो Na किस में आता है तो खोजो Na Na खोजो देखो इसमें आता है हां Na इसमें आ रहा है हां Na आ गया अब Cl खोजो किस में आता है Cl खोजो तो Cl आता है इसमें आ रहा है अब यहां ध्यान दे दोनों देख तो ये क्या है प्रबल है ये क्या है प्रबल भस्म क्या है प्रबल भस्म ये क्या है प्रबल भस्म है और ये क्या है प्रबल आम तो दोनों प्रबल है ना दोनों प्रबल लड़ गया तो प्रबल लड़ता है प्रबल लड़ेगा तो क्या बनेगा लवण बनता है और उसका पीएच मान कितना उसको बोलते हैं जलीय विलयन उदासीन क्या बोलते हैं दोनों प्रबल लड़ गया ना दोनों प्रबल लड़ गया तो क्या है जो लवण बनेगा उसका जलीय विलयन क्या उदासीन होगा पहचान जाएगा ना कि दोनों प्रबल लड़के बनाए दोनों प्रबल लड़के उसमें क्या लिखेगा KCl क्या लिखेंगे KCl क्या लिखेंगे KCl किसमें है तो खोल लेना परवल है परवल है सीएल को सीएल कहाँ है यहाँ पर यही परवल है परवल लड़ेगा तो क्या जाएगा उदासीन लवण जो बनेगा क्या होगा उदासीन क्या होगा उदासीन तो केसीएल भी क्या हो गया उदासीन क्या हो गया यानी इसके जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा 7 होगा 7 होगा उसी प्रकार लिखते हैं हम Na2SO4 अब Na खोज कहाँ है Na किसमें है ये हो गया परवल क्या हो गया और SO4 खोज कहाँ है यहाँ पर है ये भी है परवल तो परवल लड़ेगा तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा 7 होगा 7 होगा यानी इसका जलीय विलयन क्या हो गया उदासीन क्या हो गया तो दिक्कत है पहचान जाएगा उस प्रकार हम लिख रहे हैं क्या उसी प्रकार लिख दिया हम KNO3 इसको पहचान के मेरा क्या है यहाँ पर है परवल भस्म हो गया NO3 मेरा क्या पर है यहाँ पर है परवल 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 लड़ेगा परवल लड़ेगा तो कोई जीतेगा क्या नहीं जो लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा 7 होगा तो हो जाएगा उसका जगह भी क्या उदासीन क्या जाएगा समझ पहचान जाएगा उदासीन है अब इस तरह तुमको लिख के दे देंगे बोलेंगे कौन सा किस लवण का जगह भी उदासीन है किस लवण का जलीय विलयन अम्लीय है और किस लवण का जलीय विलयन भस्मी का बचा जाएगा ना अभी तुम्हें उदासीन में बचाने से किया ना अब देखते हैं दूसरा क्या देखते हैं वैसा लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो अम्लीय हो क्या हो अब उसको देखते हैं क्या देखते हैं वैसा लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो अम्लीय है उसको देखते हैं लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो वैसा लवण जिसका जलीय विलयन उदासीन हो गया उदासीन तो पढ़ लिया अम्लीय हो क्या हो अम्लीय अब तुम लोग दिमाग लगा कि अम्लीय कब होगा अम्लीय लवण का जलीय विलयन अम्लीय कब होगा लवण का जलीय विलयन अम्लीय कब होगा जब अम्ल वाला मजबूत होगा और भस्म वाला कमजोर होगा तब ना अम्ल जीत जाएगा यानी परबल अम्ल क्या होना चाहिए अम्ल होना चाहिए परबल अम्ल क्या होना चाहिए परबल होना चाहिए और भस्म कैसा होना चाहिए भस्म होना चाहिए दुर्बल भस्म क्या होना चाहिए दुर्बल भस्म क्या होना चाहिए दुर्बल भस्म होना चाहिए तब ना जब परबल अम्ल रहेगा यार भस्म क्या है दुर्बल क्या है तो अम्ल है परबल तो अम्ल इसको ठाप बैठ देगा जीतेगा कौन अम्ल जीत जाएगा तो जब अम्ल जीत गया तो इसी के नाम पर रखेंगे ना तो जो अम्ल जीता तो किसका गुण पाया जाएगा जब अम्ल जीत गया तो गुण उसे अम्ल के पाल जाएगा तो जाएगा क्या इसका जलीय विलयन क्या होगा इससे जो लवण बनेगा उसका जलीय विलयन क्या होगा 7 से कम 7 से कम इसका जलीय विलयन लवण का जलीय विलयन यानी जो लवण बना उसका जलीय विलयन कितना चाहिए 7 से कम 7 से
सात से कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे अम्ल है परबल, अम्ल है भस में कमजोर, भस में तो जीतेगा कौन? अम्ल जीतेगा। जब अम्ल जीतेगा तो अम्ल का पेच बन क्या? तो सात से कम होता है, इसलिए लवन, इसलिए जो लवन बनेगा उसका पेच बन क्या? सात से कम, सात से। अब पहचानेंगे कैसे? यहाँ ध्यान दें, जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, जैसे हम लिख दिए एन एच फोर सी एल, एन एच फोर। अब यहाँ ध्यान दें एन एच फोर, यहाँ ध्यान दें एन एच फोर, देखें आप एन एच फोर कहीं है क्या? नहीं। एन एच फोर कहीं है क्या? नहीं। जब इसमें एन एच फोर ना है तो यानी परबल में नहीं है तो कहाँ एन एच फोर होगा? दुर्बल में होगा। हाँ। यही ना बताते हैं, जब परबल में नहीं है तो कहाँ है? दुर्बल में है। ये हो गया दुर्बल, ये क्या हो गया? दुर्बल है। क्या है? आगे होता है भस्मला भाग, आगे होता है आगे होता है भस्म का भाग, आगे क्या होता है? भस्म क्या हो गया? दुर्बल। भस्म क्या हो गया? दुर्बल। अब देख सीएल, देखते पीछे रहता है अम्ल वाला, पीछे वाला होता है सीएल, देख सीएल किसमें है? इसमें है। अम्ल क्या हो गया? परबल। अम्ल क्या हो गया? तो भस्म आगे वाला जो था दुर्बल वाला और पीछे परबल वाला, तो परबल क्या है? अम्ल है। तो अम्ल परबल हो गया ना, ये हो गया दुर्बल, ये क्या हो गया? तो अम्ल परबल है, इसलिए इसका जल्दी प्लेन क्या होगा? सात से कम, सात से, क्योंकि अम्ल है परबल। अम्ल क्या है? उसी प्रकार लिख सकते हैं हम, क्या उसी प्रकार लिख दिए एफ ई सी सी एल थ्री, एफ सी एल थ्री। अब देख आगे वाला होता है भस्म, आगे वाला होता है भस्म, आगे वाला क्या होता है? देख भस्म में कहीं एफ ई है क्या? एफ ई कहीं बस में है? ये बंदर यहाँ जाने, एफ ई कहीं बस में है? जब एफ ई बस में ना आए तो कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा दुर्बल में आएगा। बता चलिए तीनों का अलावा अगर ना आ रहा है तो दुर्बल में क्या आएगा? भस्म क्या आएगा? दुर्बल। क्या हो गया? भस्म हो गया दुर्बल। आप सीएल खोज किसमें आता है? सीएल आता है परबल में। किसमें आता है? अम्ल हो गया परबल, तो अम्ल मजबूत हो गया, जीतेगा कौन? अम्ल जीत जाएगा। जब अम्ल जीतेगा तो इसका क्या हो गया? इसका इसका पीएच मान क्या होगा? सात से कम, सात से कम, क्योंकि ये अम्लीय लवण हो गया। क्या हो गया? इसका जल्दी बिल्कुल क्या हो गया? अम्लीय। क्या हो गया? अम्लीय। समय आ रहा है तुम लोग को? उसी प्रकार लिखते हैं सी यू ए एल सी एल थ्री, ए एल सी एल, ए एल सी एल। तो ए एल इसमें है क्या? नहीं है तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। जब इसमें नहीं है तो किसमें होगा? ए एल हो गया दुर्बल भस्म। क्या हो गया? सी एल किसमें है? इसमें है। ये परबल हो गया, काम लोगे परबल, तो जीतेगा कौन? अम्ल जीतेगा। इसका जो गुण होगा क्या होगा? सात से कम होगा, सात से कम नहीं होगा। अम्ल जीत रहा है, कौन जीत रहा है? अम्ल। कौन जीत रहा है? समझ आ गया तुम लोग को? तो अब कौन सा लवन, कौन सा लवन का जलीय विलयन सात से कम है पहचान जाएगा ना? इसी तरह देखे पहचाना, समझ गया ना? अब देखते हैं भास्मिक लवन क्या देखते, वैसा लवन जिसका जलीय विलयन सात से अधिक हो, वैसा लवन जिसका जलीय विलयन सात से अधिक हो, वो देखते हैं। अब देखते हैं वैसा लवन, वैसा वैसा लवन, वैसा जिसका जलीय विलयन का पीएच मान, जिसका जलीय विलयन भास्मिक हो, क्या हो? भास्मिक हो, क्या हो? भास्मिक बोलते क्षारीय हो, क्या हो? भास्मिक कब होगा? भास्मिक कब होगा? जब पीएच मान क्या हो? पीएच मान क्या हो? सात से अधिक, सात से अधिक हो, तब ना भास्मिक होगा। सात से अधिक, सात से अधिक। अब सात से अधिक भास्मिक होने के लिए सात से अधिक चाहिए। अब बता किसको कमजोर ले, किसको दुर्बल ले, किसको कमजोर ले, किसको प्रबल ले, जल्दी बता। क्योंकि भास्मिक लवन बनाना है, क्या बनाना है? भास्मिक लवन बनाना है। भास्मिक बनाते भस्म को मजबूत लेना है, भास्मिक क्या लेना है? प्रबल। क्या लेना है? और अम्ल को दुर्बल कर देना है, तो अम्ल हार जाएगा ना? हारेगा। यानी हमको भस्म को लेना है प्रबल, भस्म को लेगा लेना और अम्ल को लेना है दुर्बल। क्या लेना है? दुर्बल। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल को लेना पड़ेगा दुर्बल, क्योंकि अम्ल को हराना है, भस्म को जिताना है, तब ना इसका नाम पड़ेगा भास्मिक, तब ना इसका पेशमान सात से अधिक होगा। यहाँ ले रहा है परबल भस्म, क्या ले रहा है? परबल भस्म। अब बता बेचारा अम्ल यहाँ क्या है? कमजोर है। हाँ। तो जीतेगा कौन? भस्म जीतेगा। तो जो लवन बनेगा, जो लवन बनेगा, लवन बनेगा उसका जो पीएच मान कितना होगा? सात से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल है दुर्बल, अम्ल तो हार जाएगा, भस्म जीत जाएगा। सॉरी दोनों जगह अम्ल लिख दिए, तो अम्ल हार जाएगा। और यहाँ भस्म क्या है? मजबूत है, भस्म जीत जाएगा। जब भी जीता सिंह गुण पाया जाएगा ना। भस्म का पेचवान कितना होता है? सात से अधिक, सात से अधिक। लवन का पेचवान भी क्या होगा? सात से अधिक। जैसे एग्जांपल में आपके पहचाने कैसे बताते हैं परबल भस्म के कौन कौन है, बता दिए तुम लोग को? एन ए ओ एच, एन ए ओ परबल भस्म बताए थे ना, एन ओ एच को के ओ एच और एल आई ओ एच, ये बताए थे ना। ये है परबल भस्म, ये क्या है? इसके अलावा अगर कोई भी आए तो क्या जाएगा? दुर्बल भस्म। क्या जाएगा? आप एक एग्जांपल लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम एन ए टू परबल भास्मिक, यहाँ ध्यान दें
भास्मी को ही बोलते छारिये, क्या बोलते हैं समझा रहा है ना, भास्मी को क्या बोलते छारिये, क्या बोलते हैं तो वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है क्या बोलते छारिये, क्या बोलते हैं Na2CO3 लिखे। अब यहाँ ध्यान दे, आगे वाला होता है भस्म का, आगे वाला होता है पीछे वाला होता है अम्ल का, पीछे वाला होता है अम्ल का। अब आगे वाला भस्म खोलते, भस्म मिल रहा है, मिल गया भस्म, क्या हो गया परबल, भस्म क्या हो गया परबल। अब CO3 खोज, कहीं मिल रहा है क्या, कहीं मिल रहा है तो परबल में नहीं मिल रहा है तो दुर्बल में मिलेगा। जब परबल में रहा तो क्या हो दुर्बल में, तो देखिए आप अम्ल दुर्बल हो गया और भस्म परबल हो गया, जीता कौन, भस्म जीता, भस्म जीता ना। तो ये जो लवण बना, ये जो लवण बना क्या होगा, भास्मिक लवण हो जाएगा, भस्म जीता, भास्मिक लवण हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर NaHCO3 अब यहाँ डाल दे, एन ए आगे वाला होता है भस्म, आगे वाला होता है आगे वाला होता है भस्म, देखो एन ए मिल रहा है भस्म, एन ए मिल रहा है तो बस ये एन ए क्या हो गया परबल, एन ए क्या हो गया परबल। अब SCO3 खोज, ये कहीं मिल रहा है क्या, ये कहीं मिल रहा है हम उनमें, अब उनमें कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, SCO3 क्या हो गया दुर्बल, क्या हो गया दुर्बल। तो भस्म क्या था परबल, भस्म क्या था परबल, क्या था दुर्बल, कौन था दुर्बल, अम्ल था दुर्बल, तो कौन जीता भस्म जीता, भस्म जीता ना। जब भस्म जीता तो लवण क्या हो जाएगा, इसका जल्द विजन क्या होगा भास्मिक, क्या होगा भास्मिक होगा और इसका पेशमान क्या होगा सात से अधिक, समझ तुम लोग आ रहा है, समझ आ रहा है और कोई लिखा देखे सब लिखते हैं NaCN, क्या लिखते हैं NaCN, Na आगे वाला भस्म होता है भस्म में खोल मिल गया, भस्म क्या गया परबल, भस्म क्या हो गया और CN होता है पीछे वाला होता है अम्ल, पीछे वाला क्या होता है अम्ल, में देखो कहीं CN मिल रहा है अम्ल, कहीं CN मिल रहा है यानी यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा अम्ल, क्या गया दुर्बल, अम्ल क्या हो गया अम्ल, क्या हो गया जब अम्ल हो गया दुर्बल, जब अम्ल हो गया जब अम्ल हो गया जब अम्ल दुर्बल हो गया तो जीतेगा कौन भस्म जीतेगा, इसका पीएच मान कितना होगा सात से अधिक। अब तुम लोग क्योंकि हम लवण का नाम लिख के दे देंगे, आप बोलेंगे बता इसमें किस लवण का पीएच मान सात से कम है यानी अम्लीय है, किस लवण का पीएच मान सात से अधिक है यानी उसका जलीय विलयन भास्मिक होगा, और कौन सा लवण का पीएच मान सात है यानी उदासीन होगा, बता सकता है इसी तरह करके बताना, बता सकता है ना, जल्दी कर इसको चलिए ध्यान दे। अब हम लोग जो नमक खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बताया दे क्या जो लवण कैसे बनता है अम्ल और भस्म, जैसे क्या बताए जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है लवण और जल बनता है, लवण और जल, लवण बोले तो नमक, लवण बोले तो नमक। आप पढ़ेंगे आप नमक के बारे में, तो नमक कैसे बनेगा, तो जब अम्ल और भस्म रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग नमक में कौन सा नमक खाते हैं, तो हम नमक खाते हैं साधारण नमक, कौन खाते हैं साधारण नमक, साधारण नमक खाते हैं, साधारण नमक में किसे यूज करते थे NaCl, हम लोग खाते हैं जो नमक होगा तो सोडियम क्लोराइड होता है, क्या था सोडियम, इसका नाम क्या है NaCl, क्या होता है यानी इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो जब हम लोग अभिक्रिया क्या सोडियम यानी एन ए, सोडियम यानी भस्म, वैसा भस्म लेना इसमें एन ए हो, क्या हो तो कौन सा भस्म एन ए होता है NaOH इसमें होता है NaOH होता है ना, और पीछे वाला होता है पीछे वाला अम्ल होता है तो Cl, तो क्या कौन सा अम्ल ले जिसमें Cl आएगा तो क्या होगा HCl, क्या होगा इसी में आ रहा है Cl, अभी दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा तो आगे प्लस पीछे प्लस पीछे प्लस में जाएगा माइनस दोस्ती करेगा बन गया NaCl, NaCl बन गया, अब चलाई दोनों बच गया जो बनेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों बना लेगा जल, क्या बना लेगा जल बना लेगा, तो हम लोग जो नमक खाते हैं वो होता है NaCl, क्या होता है NaCl। अब NaCl हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, NaCl प्राप्त होता है हम लोग को समुद्री जल से, समुद्री जल से, समुद्री जल, समुद्री जल, अरे बंदर, समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल नमकीन ना होता है, समुद्री जल होता है नमकीन, क्या होता है नमकीन, तो हम लोग समुद्री जल को जब उसको वाष्प करते हैं उसका पानी उड़ा रहता है, पानी क्या प्राप्त होता है NaCl, क्या प्राप्त होता है NaCl, NaCl कैसे प्राप्त होता है हम लोग को, तो समुद्री जल के क्या बोलेंगे समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वाष्पीकरण समय रहा है ना, उसे गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, समुद्री जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, फलस्वरूप हम लोग को क्या प्राप्त होता है, हम लोग को सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है नमक प्राप्त होता है, नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, क्या होता है नमक प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है, अब समुद्री जल लिए हम लोग और उसके बाद वाष्पीकरण से क्या कर दिए, वाष्पीकरण कर दिए, हम लोग को क्या प्राप्त होगा नमक प्राप्त होगा, लेकिन नमक में अशुद्धि ना होगा, पानी में तो बहुत सारा अशुद्धि रहता है ना, होता है तो नमक में क्या होगा अशुद्धि मिलल, क्या होगा तो हम लोग को नमक प्राप्त हुआ, जो नमक उसमें बहुत सारा क्या होता है, उसमें बहुत सारा अशुद्धि होता है, क्या होता है अशुद्धि,
क्या होता है अशुद्धि के रूप में क्या होता है अशुद्धि के रूप में जो होता है हम लोग का होता है अशुद्धि के रूप में जो होता है वो होता है एम जी सी एल टू एम जी सी एल मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम एम जी एस ओ फोर एम जी एस ओ मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सी एस ओ फोर सी एस ओ कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऐसा क्या है ऐसा होता है अशुद्धि के रूप में किसके रूप में होता है अशुद्धि के रूप में पूछेगा कि हम लोग अगर समुद्र के पानी लेंगे उसका नमक अति पानी उड़ा देंगे जो लोग जो हम लोग को नमक प्राप्त होगा नमक में अशुद्धि होगा क्या होगा अशुद्धि रूप में क्या होगा ये सभी होगा अशुद्धि रूप में ये सभी क्या होगा अशुद्धि के रूप में लेकिन हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें तो आयोडीन आयोडीन जैसे मान लें हम नमक जो प्राप्त किए उसमें आयोडीन तो सब समुद्र पानी में आयोडीन ना है ना तो उसके बनाना आयोडीन युक्त नमक हम लोग कौन सा नमक खाते हैं आयोडीन युक्त नमक आयोडीन तो हम लोग खाते हैं आयोडीन युक्त नमक क्या खाते हैं आयोडीन युक्त नमक आयोडीन युक्त नमक क्यों खाते हैं क्योंकि आयोडीन के अगर हम लोग नहीं लेंगे तो आयोडीन का क्या होता है घंगारो क्या होता है तुम्हें जानता है ना घंगारो किसको बोलता है गलगंड क्या बोलते हैं गला में होता है गलगंड क्या बोलते हैं तो आयोडीन की कमी से पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है गलगंड तो बोलना है घेंगारो क्या बोलना है तो आयोडीन युक्त नमक आयोडीन तो आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाएंगे तो जो साधारण नमक है साधारण नमक क्या है एनएससीएल साधारण नमक क्या है हम लोग साधारण नमक में साधारण नमक यानी एनएससीएल एनएससीएल को हमको बनाना है आयोडीन युक्त क्या बनाना है आयोडीन युक्त क्यों बनाना है क्योंकि आयोडीन आयोडीन हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा रोग क्या होगा और जो रोग होगा उसको क्या बोलते हैं गलगंड रोग या घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग क्या बोलते हैं ठीक है ना उसकी कमी से क्या होगा आयोडीन कमी से होता है घेंगा रोग होता है जो क्या होता है गला फूल जाता है गला क्या होता है यहाँ किसी को देखा तुम लोग यहाँ पर लटका साधारण नमक को बनाना आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाएंगे इसमें मिला देते हैं हम के आई क्या मिलाते हैं इसमें दो चीज मिलाते हैं क्या मिलाते हैं एक मिला दे के आई क्या मिला दे पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम या मिला दे के आई KINO3 इसको भी मिला देंगे साधारण नमक में इसको मिला दे समझ रहा है ना साधारण नमक हम दो चीज मिलाएंगे कितना चीज मिलाएंगे दो चीज इसको मिला देंगे तो हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक या इसको भी मिला देंगे तो हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक तो दोनों में से किसी को भी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक क्या हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक हम क्यों खाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है रोग होता है क्या होता है आयोडीन की कमी से क्या होता है रोग क्या होता है कौन सा रोग होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या उसको बोलते हैं घेंगा रोग क्या बोलते हैं घेंगा रोग क्या बोलते हैं घेंगा रोग या उसको दूसरा भाषा में बोलते हैं गलगंड रोग क्या बोलते हैं गलगंड क्यों बोलते हैं गलाम होता है इसलिए बोलते हैं गलगंड रोग क्या बोलते हैं या उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर रोग क्या बोलते हैं ग्वाइटर रोग ग्वाइटर तीनों एक ही है जैसे तुम लोग का भी तीन नाम होगा किसी का होगा तीनों एक ही है क्या तो बोलेगा आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है घेंगा रोग या गलगंड रोग या ग्वाइटर रोग घेंगा रोग या गलगंड रोग या ग्वाइटर रोग ठीक है यहाँ KIO3 होगा KIO3 तो पूछेगा आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाते हैं तो सारा नमक में जब हम KI या KIO3 मिला देते हैं तो बन जाता है क्या आयोडीन युक्त नमक क्या बनता है आयोडीन युक्त नमक आप देखते हैं नमक का यूज कहाँ करते हैं करते हैं देखिए यहाँ पढ़ेंगे नमक यानी NaCl नमक यानी NaCl का उपयोग NaCl का तो NaCl का उपयोग बहुत जगह होता है ठीक है ना NaCl का उपयोग पहले कहाँ होता है NaCl का उपयोग होता है NaCl का उपयोग होता है पहले यहाँ ध्यान दें NaCl का उपयोग होता है क्लोरीन गैस बनाने में कैसे बनेगा क्योंकि इसमें क्या नमक में क्लोरीन है ना तो क्लोरीन गैस बन जाएगा तो क्लोरीन गैस बनाने में किसका यूज करते हैं नमक का यूज करते हैं NaCl का एन ए फिर बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी नमक का यूज करते हैं क्यों क्योंकि देखो यहाँ एन है क्या है यहाँ भी एन है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में किसका यूज करते हैं नमक का किसका यूज करते हैं नमक का और किसको बनाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक देखिए यहाँ पे Cl है
इसे हम सीएल ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किसे यूज करते हैं? तो नमक का किसे यूज करते हैं? नमक का किसे यूज करते हैं? फिर खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना जो मुड़ी उड़ी में डालते हैं, डालते हैं ना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा सूत्र होता है एन ए एस सी ओ थ्री। खाने वाला सोडा सूत्र क्या होता है? NaSCO3। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडा बनाने में बीज का यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं। कैसे? इसमें भी एन ए है, इसमें भी एन ए है, इसका इसका एन ए ले लेंगे हम, क्या बना लेंगे? खाने वाला सोडा बना लेंगे, बना लेंगे ना। खाने वाला सोडा यानी NaSCO3 बनाने में किसका यूज करते हैं? तो नमक का। किसका यूज करते हैं? नमक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नमक का। फिर धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा तुम लोग देखते हो, धोबी कोई लाता है, केजी खरीद कर आता है ना, धोने वाला सोडा ना होता है जिसे कपड़ा होता है, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा यानी Na2CO3। सूत्र क्या होता है? धोने वाला, बोलेंगे धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? बोलना Na2CO3, Na2CO3 बनाने में, बनाने बनाने में, देखो इसमें एन ए है, इसमें भी एन ए है, तो नमक से भी बना सकते हैं। तो नमक का यूज कहाँ कहाँ होगा? तो चार नमक का यूज हुआ, पहला क्लोरीन बनाने में, दूसरा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, तीसरा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, चौथा हुआ खाने वाला सोडा यानी NaSCO3 बनाने में, अगला हुआ धोने वाला सोडा यानी Na2CO3 बनाने में। इतना जगह इसका उपयोग होता है, इतना जगह इसका उपयोग होता है। पहले पढ़ेंगे कैसे बना, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, सब पढ़ेंगे, सब आ रहा है ना। पहले ये लिख, उसके बाद वो लिख, उसके बाद आगे पढ़ते लिख। एक हम पढ़ेंगे इन सारा नमक पढ़ लिए ना, एक तुम लोग देखता है मार्केट में मिलता है काला नमक, मिलता है काला नमक नहीं मिलता है, काला नमक या सेंधा नमक, क्या बोलते हैं? सेंधा नमक। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो नमक हम जो खाते हैं, जो खाते हैं सरारा नमक, वो कहाँ प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ समुद्री जल से, समुद्री। लेकिन जो काला नमक खाते हैं या सेंधा नमक जो खाते हैं, चट्टान ऐसा ना होता है, पत्थर ऐसा ना होता है, पत्थर ऐसा होता है, उसको चूल देते हैं तो फिर काला काला होता है, उसी को बोलते हैं काला नमक या सेंधा नमक। क्या बोलते हैं? काला नमक और सेंधा नमक। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये होता है जमीन के अंदर से, जमीन के खदान से। कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के अंदर कहीं पर चट्टान उट्टान है, काला नमक का चट्टान है या सेंधा नमक का चट्टान, तो वहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको बोलेंगे ये जमीन के अंदर, जमीन के अंदर खदान से। कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के अंदर खदान से, जमीन के अंदर खदान से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? खदान से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? तो काला नमक या सेंधा नमक, काला नमक या सेंधा नमक। पूछा काला नमक या सेंधा नमक कहाँ प्राप्त होता है? तो जमीन के अंदर खदान से, जमीन के अंदर। अब बताओ, जब काला नमक का सेंधा नमक को निकालेंगे तो उसमें कहीं नमक नहीं निकालेगा, उसमें कुछ अशुद्धि भी रहेगा। अरे कोई अशुद्धि नहीं होगा, खुखरा पदार्थ मिला होता है। इसमें क्या मिला होता है? तो इसमें मिला होता है अशुद्धि के रूप में होता है। काला नमक या सेंधा नमक में अशुद्धि के रूप में क्या होता है? इसमें अशुद्धि के रूप में, इसमें अशुद्धि के रूप में होता है। क्या होता है? तो लाल चिकना मिट्टी, लाल चिकना मिट्टी मिला होता है। क्या मिला होता है? लाल चिकना मिट्टी मिला होता है। नमक भी लाल थोड़ा होता है, ऐसे अशुद्धि के रूप में क्या मिला होता है? लाल चिकना मिट्टी। तो लाल चिकना मिट्टी को हम हटा देंगे और जो प्राप्त होगा क्या? काला या सेंधा नमक, काला या सेंधा। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या बताया था? MgCl2। सरारा नमक में अशुद्धि के रूप में क्या था? MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा, यहाँ होगा सोडियम सल्फेट। क्या होगा? सोडियम सल्फेट और होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारा साधारण नमक था उसमें अशुद्धि के रूप में था मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। यह अशुद्धि के रूप में था। किसके रूप में था? अशुद्धि के रूप में। दोनों जल्दी लिखकर उसको मिटा रहे हैं। यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ते हैं नमक का यूज क्या बताए थे? नमक का यूज बताए थे बहुत जगह होता है कि नमक का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो इतना चीज बनाने में होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले क्लोरीन गैस नमक से कैसे बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे हम ना, तो क्लोरीन गैस अपने आप बन जाएगा, समझ आ रहा है ना। और एक गैस बनेगा हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा? तो हम लोग पढ़ते हैं पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का। तो पढ़ते हैं पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी पहले हम पढ़ रहे हैं NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि का एक नाम और है, उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलेंगे यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे यानी NaOH। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है?
नमक का सूत्र क्या होता है थे NaCl, लेकिन कास्टिक सोडा का सूत्र पूछेंगे तो NaOH, Na तो पढ़ेंगे हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाने का विधि, बनाने का विधि यानी कैसे कैसे बनाते हैं, इसको तो यहाँ ध्यान दें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो बनाते हैं इसका बनाने का विधि का जो नाम है वो है क्रोलो एल्किल विधि। क्रोलो तो कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि कौन सा है, तो बोलना है क्रोलो एल्किल विधि। बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को हम कौन सा विधि द्वारा बनाते हैं, तो क्या बोलेगा क्रोलो एल्किल विधि। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो उससे बनेगा क्रोलीन, उससे क्या बन जाएगा क्रोलीन भी बन जाएगा और एल्किल बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोलो एल्किल विधि। क्या हो रहा तुम्हारा, अरे जानवर है कि क्रोलो एल्किल विधि। अब इसको बनाते कैसे यहाँ ध्यान दे, तो कैसे बनाते हैं, तो नमक से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्योंकि नमक से इतना चीज़ किससे बनाते हैं, नमक से कैसे बनाते हैं, तो नमक से क्या बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे बनाते हैं नमक से कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान दे तुम लोग नमक से कैसे बनाते हैं, तो लेते हैं यहाँ ध्यान दे कैसे बनाते हैं, लेते हैं एक बर्तन, क्या लेते हैं बर्तन, उसमें दो को छड़ डालते हैं, क्या डालते हैं दो ठो छड़ डाल देंगे, ठीक है ना। अभी दोनों छड़ को क्या करेंगे, बैटरी के सील से जोड़ देंगे, बैटरी होता है ना, बैटरी में क्या होता है, एक होता है प्लस वाला, क्या होता है बैटरी में ना होता है, यहाँ पर होता है प्लस वाला है, नीचे क्या होता है जो ऊपर में प्लस मुंडी ना होता है ऊपर में, वो क्या होता है प्लस, वो क्या होता है प्लस, और नीचे जो होता है वो क्या होता है माइनस, वो क्या होता है नीचे प्लेट ऐसा होता है ना, वो क्या होता है माइनस, क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दें, इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे प्लस वाला को एक छड़ को प्लस से जोड़ देंगे, छड़ को क्या किससे जोड़ेंगे प्लस से, और एक छड़ को किससे जोड़ देंगे माइनस से, किससे जोड़ देंगे माइनस से, किससे जोड़ देंगे माइनस से, ठीक है ना। तो जिसको हम प्लस से जोड़ेंगे तो प्लस वाला को बोलेंगे एनोड, क्या बोलेंगे, जो छड़ को हम प्लस वाला से जोड़ दिए तो वो छड़ बन जाएगा एनोड, वो छड़ क्या बन जाएगा एनोड, क्या बन जाएगा, तो बताएगा बता एनोड क्या होता है, एनोड प्लस होता है कि माइनस होता है, तो एनोड होता है प्लस, क्या होता है, और जो छड़ को हम माइनस से जोड़ दिए, ये छड़ को माइनस से जोड़ रहे हैं, तो जो छड़ को हम माइनस से जोड़ दिए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैथोड, क्या बोलेंगे कैथोड, क्या बोलेंगे। अब तुम उसको आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा एनोड प्लस होता है कि माइनस होता है, एनोड होता है प्लस, क्या होता है कैथोड प्लस होता है कि माइनस होता है, कैथोड होता है माइनस, क्या होता है। अब क्या करेंगे, अब इसमें लेंगे नमक का पानी घोल देंगे, नमक लेंगे और पानी लेंगे, क्या लेंगे नमक और पानी, नमक और पानी लेंगे, दोनों क्या करेंगे घोल देंगे, क्या करेंगे घोल देंगे। तो जब इसमें नमक घोलेंगे, जब इसमें नमक यानी NaCl को घोलेंगे, NaCl को घोलेंगे, और जैसे इसमें करंट स्विच को ऑन करेंगे तो करंट आ जाएगा, ये दोनों छड़ में क्या जाएगा करंट, जब ये दोनों छड़ में करंट आएगा तो पानी में भी करंट आएगा, और पानी में क्या घुला हुआ नमक, पानी में क्या घुला हुआ है, तो नमक क्या होगा टूट जाएगा, नमक क्या होगा, तो आगे प्लस पीछे, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में क्या होगा टूट जाएगा। अब तुम लोग सिंपल बता, ये प्लस वाला कहाँ दौड़ के जाएगा, इस पर दौड़ के जाएगा, किस पर दौड़ के जाएगा, ये प्लस वाला किस पर दौड़ के जाएगा, अगर प्लस प्लस तो छोटा लग जाता है बंद रहे एकदम, प्लस वाला कहाँ, प्लस वाला कहाँ दौड़ के जाएगा माइनस वाला दौड़ के जाएगा, पता तुम लोग बंदर है कि प्लस वाला कहाँ जाएगा, तो सोडियम कहाँ चल जाएगा, सोडियम चल जाएगा कैथोड पर, सोडियम कहाँ चल जाएगा कैथोड पर, सोडियम कहाँ चल जाएगा, और क्लोरीन क्या है माइनस, क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन कहाँ चल जाएगा एनोड पर, कहाँ चल जाएगा एनोड पर, कहाँ चल जाएगा, तो क्लोरीन जाकर जमा हो जाएगा एनोड पर, क्लोरीन जाकर कहाँ जमा हो जाएगा एनोड पर, जमा हो जाएगा Cl2 के रूप में, क्योंकि क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है, और Na कहाँ चल जाएगा कैथोड पर, कहाँ चल जाएगा कैथोड पर, और ये Na जो अलग हो गया ना, अब ये Na क्या करेगा, ये Na जो है जल से अभिक्रिया कर लेगा, Na क्या कर लेगा जल अलग, Na कहाँ चल गया, Na चल गया कहाँ पर, चल गया तो कैथोड पर, कहाँ चल गया कैथोड पर, चले कहाँ चल गया कैथोड, इधर के कहाँ है प्लस वाला है, तो प्लस वाला दौड़ के चल गया माइनस वाला पास, कहाँ चल गया, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है ना, तो प्लस वाला दौड़ के चल गया माइनस वाला पास, कहाँ चल गया, अब यहाँ जाके क्या करेगा जल से अभिक्रिया कर लेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, और जैसे जल से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा क्या, तो यह बना लेगा NaOH, क्या बना लेगा, यही बनाना था हमको, यही बनाना था, तो यह बना लेगा Na, तो NaOH, तो यहाँ देख OH बनाया है, तो एगो एच बच गया ना, तो जो एगो एच बना वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, वो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, वो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आप, तो हम जब हम नमक को क्या किए थे, नमक का विद्युत अपघटन किए थे, तो क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन गैस ही बना, क्लोरीन गैस बना, क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त हुआ, तो माइनस वाला है, तो प्लस पर प्राप्त होगा एनोड पर, कहाँ प्राप्त हुआ, तो क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ एनोड पर, क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ, उसके बाद सोडियम कहाँ प्राप्त हुआ, तो सोडियम प्राप्त हुआ कैथोड पर, सोडियम कहाँ प्राप्त हुआ, और सोडियम जल से अभिक्रिया किया और बना लिया NaOH, क्या बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया,
और साथ में क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस क्या बन गया, तीन चीज बना, कितना चीज बना, एक क्लोरीन गैस बन गया, एक क्या बना, क्लोरीन गैस, एक बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक बना हाइड्रोजन गैस, तीन चीज बन गया ना। तो पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, तो बोलना है क्लोरो एल्किल विधि द्वारा। क्लोरो एल्किल कैसे बनाते हैं, तो हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड और जल में इसको घोल देते हैं, तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन। संतृप्त समझ रहा तुम लोग, संतृप्त मतलब होता है भर पेट, क्या होता है, एक देख यहाँ पर विलयन होता है तीन प्रकार का, विलयन होता है विलयन होता है तीन प्रकार का, विलयन कितने प्रकार का होता है, एक होता है असंतृप्त, एक क्या होता है असंतृप्त, क्या होता है, एक होता है संतृप्त, एक क्या होता है मेरा क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कम से कम सुना दिखाई भी नहीं रहता, क्या बोल रहे हैं, संतृप्त बोल रहे हैं, संतृप्त क्या बोल रहे हैं, और एक होता है अति संतृप्त, एक क्या होता है अति संतृप्त, अति सं, तो विलयन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार, कितना होता है तीन प्रकार, एक होता है असंतृप्त, एक होता है संतृप्त, एक होता है अति संतृप्त, क्या होता है वो संतृप्त, तो समझ रहा है ना, ऐसे पानी में हम घोल दिए चीनी, क्या घोल दिए चीनी घोल दिए, शरबत पर बनाता है ना, तो वो हो गया वो संतृप्त, क्या हो गया, क्योंकि उसमें और चीनी डालेंगे तो घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा, जो जो हम लोग शरबत घर में बनाते हैं ना, तो उसमें और चीनी डालने पर नहीं घुलता है क्या, तो वैसा बिलियन, वैसा जिसमें और चीनी डालने पर या जिसमें और नमक डालने पर, यानी जो घुलने वाला चीज़ है, घुलने वाला चीनी डालने पर घुल जाए, उसको बोलते हैं संतृप्त, वो संतृप्त क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी वैसा बिलियन जिसमें और घुलने वाला चीज़ डाले ना तो और घुल जाए, और क्या हो जाए, तो हो जाएगा असंतृप्त, क्या हो जाएगा, और असंतृप्त क्या हो जाएगा कि अब देखो आप पानी में चीनी को घोलते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि घोलेगा तो नहीं घुलेगा, घुलता है कि नीचे बैठ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि घोलते एक समय ऐसा आएगा कि अब उसमें चीनी डालेंगे तो घुलबे नहीं करेगा, चीनी डालेंगे तो घुलबे, तो हो गया संतृप्त, वो क्या हो गया, यानी उसका पेट भर गया, उसका पेट क्या हुआ, और एक होता है अति संतृप्त, क्या होता है, यानी अब चीनी जब उसमें नहीं घुल रहा है तो उसे क्या कर, उसको डाल दे, उसको गैस पर चढ़ा दे, कहाँ चढ़ा दे, जब गैस पर चढ़ा देंगे तो गर्म होगा, जो चीनी नहीं घुल रहा था वो भी क्या होगा, घुल जाएगा, यानी अब उसमें चीनी नहीं घुल रहा था लेकिन उसको बलजबली घोल दिए, बलजबली नहीं घोल दिए थे गर्म करके, तो क्या हो गया, उसमें बलजबली चीनी घुल गया, तो हो गया अति संतृप्त, क्या हो गया, ऐसा तुम लोग भोज खाने जाता है, तो खाने जाते थे, मान लें कि वहाँ पूरा खाने नहीं मिला तो क्या हो गया, असंतृप्त, क्या हो गया, यानी खाली पेट रह गए तो क्या हो गया, असंतृप्त, क्या हो गया, अब पूरा यहाँ ने कंठ था खाली, पूरा पेट उठ भर लिया, अब नहीं खा पाएगा, अब कहेगा पूरी लेगा तो बोलेगा नहीं लेंगे, तो क्या हो गया संतृप्त, क्या हो गया, क्या पेट भर गया ना, लेकिन बोलेगा कि एक रसगुल्ला और खा तुमको 10 टका देंगे तो बलजबली खा लेगा, नहीं खा लेगा, पेट भरा ले तो अभी खा लेगा बलजबली, तो क्या गया, अब खा ना पा रहा है लेकिन बलजबली तुम खा लिया, 10 टका बाजी लगा खा लिया, तो क्या गया संतृप्त, क्या हो गया, ऐसे संतृप्त हो गया, और घर आके सब क्या करेगा, उल्टी पुल्टी कर देगा, नहीं करेगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं क्या संतृप्त, क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, क्या बोल रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त, यानी वैसा विलयन जिसमें सोडियम क्लोराइड इतना घोल दिए कि अब नहीं घुलेगा, समझ रहा है ना, तो हम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त मतलब क्या हुआ कि वो NaCl इतना घोल दिया उसमें कि अब नहीं घुलेगा, अब तो NaCl का संतृप्त जलीय विलयन, NaCl का संतृप्त जलीय विलयन में क्या किए थे, करंट दिए थे, करंट को बोलते हैं विद्युत, क्या बोलते हैं, तो NaCl का संतृप्त जलीय विलयन का क्या 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 का क्या किए थे, विद्युत अपघटन के फलस्वरूप एने कहाँ चल गया, तो एने प्लस वाला था तो एने चल गया कहाँ पर, कैथोड पर, कहाँ चल गया, यानी माइनस पर, कहाँ चल गया, तो के फलस्वरूप एने क्या बोल रहे हैं, एन ए प्लस कैथोड पर प्राप्त होता है, एन ए प्लस कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर, तथा सी एल ये माइनस वाला है तो माइनस दौर के कहाँ जाएगा, प्लस वाला पर जाएगा, यानी Cl- कहाँ प्राप्त हुआ, एनोड पर प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त हो गया ना, अब एन ए कैथोड पर गया, ये एन ए क्या किया, ये एन ए किया जल से और बना लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और क्या दिया हमको, H2 गैस
यस दिया। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि हम पढ़ रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिए। अब तक कितना चीज बना, एक बना मेरा बना हाइड्रोजन गैस, एक बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक बना क्लोरीन गैस। ये क्या बना, क्लोरीन गैस। तो अभी तीनों का उपयोग पढ़ते हैं, तीनों क्या पढ़ते हैं, उपयोग। ये तीनों क्या पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो पहले हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। दूसरा किसका उपयोग पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोजन का उपयोग। किसका पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि ये भी बनाना, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्लोरीन गैस बना है, तीसरा पढ़ेंगे क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस का। क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन गैस का उपयोग। तो तीनों का उपयोग पढ़ते हैं, तीनों का उपयोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं हम साबुन बनाने में। पहला उपयोग कहाँ होता है, तो बोलेगा साबुन बनाने में किसका यूज करते हैं। तुम लोग का चौथा केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर में पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे हम साबुन कैसे बनता है, ठीक है ना। चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे साबुन कैसे बनता है, तो वहाँ बताएंगे NOS साबुन बनता है, कैसे बनता है वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ है, साबुन बनाने में, साबुन। तो बोलेगा साबुन बनाने में किसका यूज करते हैं, तो बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो। दूसरा डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट ना होता है, अरे सर्फ होता है ना, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर ना होता है, यानी डिटर्जेंट पाउडर, यानी उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपमार्जक। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यानी सर्फ, डिटर्जेंट यानी सर्फ, यानी सर्फ बनाने में, सर्फ बनाने में। अगला इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अगला इसका उपयोग होता है कागज़ बनाने में। किसका कहाँ होता है, कागज़ बनाने में। क्या हुआ, कागज़ बनाने में, कागज़, कागज़ बनाने में किसका यूज करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज और होता है, इसका यूज और होता है कहाँ पर, तो खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। सोडा तुम लोग क्या बताए थे, NaHCO3 बताए थे, NaHCO3 बनाने में, NaHCO3 बनाने में। तो इसका उपयोग इतना जगह होता है, समझ गया ना। अगला पढ़ते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग। कैसे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, पहला उपयोग इसका होता है वनस्पति तेल, वनस्पति, वनस्पति तेल समझ रहा है तुम लोग, वनस्पति तेल समझ रहा है क्या, अरे हाँ, वनस्पति तेल समझ रहा है, वनस्पति तेल यानी वैसा तेल जो हमको पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, नारियल तेल। नारियल किससे प्राप्त होता है, जंतु से, पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। तो नारियल तेल हो गया वनस्पति तेल, नारियल तेल क्या हो गया, सरसों तेल, सरसों तेल किससे प्राप्त होता है, पौधा से प्राप्त होता है, सरसों पौधा, सरसों पौधा से प्राप्त होता है। तो वो क्या हो गया, वनस्पति तेल, क्या हो गया, उसमें कहा सूर्यमुखी तेल, सूर्यमुखी तेल कहाँ प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। तो क्या हो गया, वनस्पति तेल, क्या हो गया, समझ रहा है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल समझ गए तुम लोग। वनस्पति तेल किसको बोलेंगे, जो हमको पौधा से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो बोलेंगे वनस्पति तेल, वनस्पति, वनस्पति तेल से, वनस्पति, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल। तो तेल से क्या बनता है, डालडा, क्या बनता है, ना बनता डालडा, तेल से क्या बनता है, डालडा। तो वनस्पति तेल, डालडा को या बोलते हैं घी, क्या बोलते हैं, तो तेल से बनता है घी, तेल से क्या बनता है, घी, तेल से क्या बनता है, तो वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण विधि, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बना रहे हैं ना, हाइड्रोजन से बना रहे, तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से बना रहे, तो हाइड्रोजनी, तो वनस्पति तेल से, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा क्या बनाने में, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में किसका यूज करते हैं, तो करते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का। इसका दूसरा उपयोग कहाँ है, तो दूसरा इसका उपयोग है हेबर विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, इसे हम बताए थे न्याय विधि बताए थे, क्या करोलो एल्किल विधि बताए थे, उस प्रकार एक विधि होता है हेबर विधि, क्या होता है, तो हेबर विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा, तो हेबर विधि द्वारा क्या बनता है, तो हेबर विधि द्वारा बनता है अमोनिया गैस, क्या बनता है, पूछेगा अमोनिया गैस कौन सा विधि द्वारा बनता है, तो क्या बोलना, हेबर विधि द्वारा, पूछेगा अमोनिया गैस कौन सा विधि द्वारा बनता है, तो बोलना हेबर विधि द्वारा, तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया, अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में। तो हाइड्रोजन का उपयोग पढ़ लिया ना, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, दो जगह, कहाँ होता है, दो जगह, पहला उपयोग, पहला क्या होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति तेल से वनस्पति
घी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। दूसरा उपयोग कहाँ होता है? दूसरा उपयोग होता है अमोनिया गैस बनाने में। अमोनिया, तो अमोनिया गैस कौन सा विधि द्वारा बनता है? तो अमोनिया गैस बनता है हेबर विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? हेबर विधि द्वारा। आप पता है क्लोरीन गैस का उपयोग किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो क्लोरीन गैस का पहला उपयोग होता है, मान लो कपड़ा पर, क्या है कपड़ा पर रंग है, क्या है कपड़ा पर रंग पर गया, तो रंग को उड़ाने में, कपड़ा पर कोई रंग है ना, तो उसको रंग को अगर उड़ाना है तो हम मान लें क्लोरीन गैस, वहाँ क्या मान लेंगे, तो क्या रंग उड़ जाएगा, रंग क्या हो जाएगा, या कागज़ पर कोई रंग पर गया, कागज़ पर क्या है कोई रंग पर गया है, तो उस रंग को उड़ाना है, रंग को क्या करना है उड़ाना है, तो वहाँ पर मान लें क्लोरीन गैस, वहाँ क्या मार देंगे, तो रंग क्या होगा, उड़ जाएगा, रंग क्या होगा, यानी कपड़े तथा कागज़, कपड़े तथा कागज को विरंजित करने में, विरंजित तो समझ रहा है ना, विरंजित मतलब होता है रंग को उड़ाने में, रंग को यानी कपड़े तथा कागज़ को विरंजित करने में, विरंजित करने में किसका यूज करते हैं, तो क्लोरीन गैस का। क्लोरीन ये हो गया पहला उपयोग, क्या हो गया। दूसरा उपयोग इसका क्या होता है, तो सब फूल का रंग होता है ना, फूल का रंग लाल, हरा, पीला, गुलाबी, बहुत रंग होता है, तो मान लो हमको फूल का रंग उड़ाना है, फूल का क्या करना है, रंग उड़ाना है, तो वहाँ मार दे क्लोरीन गैस जाके मार देंगे ना, तो क्या होगा, फूल का रंग उड़ जाएगा, फूल का रंग क्या होगा, तो फूलों का रंग उड़ाने में, पूछेगा फूलों का रंग उड़ाने में, फूलों का रंग उड़ाने में कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो बोलना है क्लोरीन गैस, क्या बोलना है, तो फूलों का रंग उड़ाने में, फूलों का रंग उड़ाने में। अगला इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अगला इसका उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में, जल को मान लें कोई जल है, जैसे मान लें कुआं वाला जल है, या कोई भी जल हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कीटाणु होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, तो उसको हमको मारना है, क्या करना है हमको मारना है, तो उसमें डाल दें क्लोरीन गैस, उसमें क्या डालेंगे, उसमें डाल देंगे क्लोरीन गैस, उसमें क्या डालेंगे, जब उसमें क्लोरीन गैस डालेंगे तो जीवाणु कीटाणु विषाणु जितना भी पानी में सब क्या जाएगा, खल्लास, क्या जाएगा, खल्लास, यानी पानी को शुद्ध करने में क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, तो हो जाएगा दूषित, दूषित जल, दूषित जल, या दूषित जल, जल को शुद्ध करने में, दूषित जल को, जल को शुद्ध करने में, दूषित जल को क्या करने में, शुद्ध करने में, दूषित जल को शुद्ध करने में किसका यूज करते हैं, तो कहते हैं हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का, किसका यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का। शहर में जितना भी पानी आता है ना, शहर में रहता है सबके शहर आता है फिल्टर पानी आता है ना, शहर में जितना भी घर है सब में क्या आता है, फिल्टर पानी, क्या आता है, तो फिल्टर पानी को कैसे शुद्ध किया है, तो क्लोरीन गैस डाल, क्लोरीन गैस उसमें क्लोरीन गैस डाल दिया है, जब क्लोरीन गैस डाल दिया तो क्या हो गया, सब जितना भी जीवाणु विषाणु कीटाणु था सब क्या हो, खल्लास, क्या हो गया। अगला क्लोरीन गैस का यूज कहाँ है, तो अगला क्लोरीन गैस का यूज है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग दिखाई दे रहा है, ये देखते हो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर दिखाई दे रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला यूज कहाँ इसका करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, तुमने ब्लीचिंग पाउडर देखता होगा, पहले जब बहुत कुआं होता था ना तो कुआं में क्या होता था सरकार तरफ से आता था और एक पाउडर होता था, उसको कुआं में डाल देता था, कुआं में क्या करता था, डाल देता था, क्यों डालता था, क्योंकि वहाँ पर क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन, क्या होता है, इसको थोड़ा ब्लीचिंग थोड़ा चौथा नंबर जो ऊपर लिख रहा है, ठीक है ना, कहकर ज़्यादा नीचे हो गया, चौथा नंबर कहाँ लिख रहा है, तो क्लोरीन गैस का अगला उपयोग कहाँ है, क्लोरीन गैस का अगला उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, किसका, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण, क्या है, विरंजक चूर्ण। तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, क्या है, तो विरंजक चूर्ण बनाने में किसका यूज करते हैं, तो क्लोरीन गैस का, क्लोरीन, या इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2, क्या होता है इसका सूत्र, बहुत ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का, किसका यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का, तो समझ आ गया तुम लोग, तो हम पढ़ाए थे पहले क्या, पहले पढ़ाए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, फिर पढ़ाए थे हाइड्रोजन गैस का उपयोग, फिर पढ़ाए थे Cl2 का उपयोग, किसका उपयोग पढ़ाए थे, Cl2 का, Cl2 का, यहाँ तो कोई दिक्कत है, अब यहाँ ध्यान दे, NaOH का उपयोग कहाँ पढ़ाए थे, पढ़ाए थे साबुन बनाने में, कहाँ पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट, फिर पढ़ाए थे कागज बनाने में, क्या कहाँ पढ़ाए थे, कागज बनाने में, फिर खाने वाला सोडा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और एक जगह इसका उपयोग और करते हैं, इसका एक जगह उपयोग करते हैं कहाँ पर, तो करते हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला तुम्हें समझ रहा है ना, स्कूल में प्रयोगशाला ना होता है, और जहाँ पर प्रयोग करता है, और स्कूल में प्रयोगशाला ना होता है, तुमने देखा स्कूल में प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर हाइड्रोजन गैस का उपयोग बताया था कहाँ कहाँ, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने, वनस्पति तेल से वनस्पति, फिर बताए थे हेबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने, हेबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में, इसका उपयोग दो जगह बताए थे, इसका उपयोग कितना जगह बताए थे, इसका उपयोग बताया था चार जगह, कितना जगह बताए थे,
पहला उपयोग क्या बताए थे, कपड़े तथा कागज में अगर रंग लग गया तो उसको उड़ाने में, यानी कपड़े तथा कागज को विरंजित करने में, कपड़े तथा कागज को। फिर बताया था इसका उपयोग फूलों का रंग उड़ाने में, फूलों का। फिर इसका उपयोग बताए थे दूषित जल में जीवाणु कीटाणु विषाणु तथा कीटाणु को मारने में, दूषित जल को शुद्ध करने में, दूषित जल को। फिर इसका उपयोग बताया था अगला क्या, ब्लीचिंग पाउडर या इसका दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनाने में, CaOCl2 बनाने में। तो पहले तुम लोग ये लिखना है, उसके बाद फिर पिक्चर ही बनाना है, उसके बाद फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और ये यार और ये वाला भी बगल में कहीं लिख लेना है। ये बताए थे ना कि बिलियन तीन प्रकार का होता है, तो ये भी बगल में कहीं लिख लेना है, ठीक है ना। जल्दी कर, आज इतना ही रखते हैं, कल ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है।